स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल जो है उनको फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और उन्होंने कुछ 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं जिन्हें कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है आज हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे आज हम हेनरी फ्योल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स पढ़ेंगे हेनरी फ्योल का बर्थ 1841 में हुआ था और वो एक माइनिंग इंजीनियर थे उन्होंने एक कंपनी में एज ए इंजीनियर जॉइन किया और उसके बाद एज अ उन्होंने टेक्नीशियन ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने जो कंपनी में प्रॉब्लम्स देखी उसके बाद उन्होंने कुछ ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का के बारे में उन्होंने लिखा इनका सबसे पहला मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क यानी हैंनरी फ्योल का ये मानना था कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल वो मैनेजमेंट में जो काम होता है ना जो भी हम कंपनी में काम करते हैं उस काम को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग स्पेशलाइज पर्सन को वर्क देंगे तो वो वर्क प्रॉपरली टाइमली और एफिशेंटली हो जाएगा नेक्स्ट प्रिंसिपल था उनका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेनरी फ्योल का ये मानना था कि अगर हम जो आ, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में कुछ कुछ उनके अहदे के अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहेगी और अथॉरिटी रहेगी तो वो काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे जैसे कि अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है तो उसके हाथ में थोड़ी बहुत अथॉरिटी थोड़ी बहुत छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी उसके पास अगर होगी तो वो आ, हर चीज़ के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा पूछने के लिए वो छोटे मोटे डिसीजन अपने बेसिस पर लेगा और इस इस तरह से जो होगा काम जल्दी हो जाएगा इसीलिए वो चाहता आ, हमारे जो हैनरी फियोल हैं वो उन, उनका बोलना था कि हर एक लेवल के पास अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी अथॉरिटी होनी चाहिए नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है जो काम उनको दिया गया है वो उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकें तो जो वर्कर्स रहते हैं उनके अंदर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना टॉप मैनेजमेंट का काम होता है अगर उनके पास थोड़ी अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग की तो वो वो अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि काम को मुझे समय पर पूरा करना है उनका नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिसिप्लिन uh, फ्योल का मानना है कि सिंसियोरिटी जो है वर्क के लिए एंटरप्राइज uh, में जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स उनके काम के प्रति अगर वो सिंसियर होंगे तो ही हमारा जो गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव हो जाएंगे तो फ्योल ये चाहते थे कि जो डिसिप्लिन है वो uh, कैसे मैनेज हो पाएगा कि जब हर लेवल पे सबसे बेस्ट सुपरविजन दिया जाएगा अगर वर्कर्स एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं लेकिन उनको कोई सुपरविज़न नहीं है तो वो अपने दिमाग से काम करेंगे लेकिन अगर उनको कोई उनका हेड है जो उनको हमेशा डायरेक्शन देता रहेगा सुपरवाइज करता रहेगा तो वो काम जो है वो बहुत ही एफिशेंटली कर पाएंगे और डिसिप्लिन मैनर में होगा क्योंकि उनको मालूम होगा कि हमारे ऊपर हमारा एक हेड बैठा है अगर हम काम को अगर मकारी से करेंगे या किसी अदर वे में कर रहे हैं या काम से मतलब ब्रेक ले रहे हैं अगेन एंड अगेन तो वो चीज़ें हमारा जो सुपरवाइजर है वो चीज़ें सब चीज वो नोट डाउन कर रहा है और हमें टोकेगा भी सही हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड और हारमोनी नॉट डिस्कॉड यानी उनका कहना है हैंनरी फ्योल का कहना है कि जो कमांड है जो ऑर्डर है वो ऊपर से आता है हायर अथॉरिटी से आता है तो हायर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को उसी वे में जो जो नीचे मिडिल मैनेजमेंट है वो लोअर मैनेजमेंट को समझाए और लोअर मैनेजमेंट है जो वो वर्कर्स को समझाए यानी उसी तरह से बताए या फिर पर्सन मतलब जो जितने भी पर्सन स्टॉप पे हैं, उनका कमांड एक ही होना चाहिए एक पर्सन कुछ और वर्क करने के लिए बोल रहा है एक कुछ और करने के लिए बोल रहा है तो जो वर्कर्स हैं नीचे उसके उनके अंडर में काम करने वाले वो कंफ्यूज हो जाएंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये डिफरेंस है कि यूनिटी ऑफ जो कमांड है उसमें एक से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं एक से ज़्यादा जो सुपीरियर हैं वो अपने को कमांड दे सकते हैं लेकिन कमांड एक ही होना चाहिए और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये है कि मतलब ये है कि जो पर्सन काम कर रहे हैं उनका काम करने का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए उनको एक ही तरह एक ही तरफ में पुश करना चाहिए यानी जो सीनियर्स हैं उनको एक ही गोल को अचीव करने के लिए आ, उनको मतलब प्रेरित करें उनको उत्साहित करें कि भाई एक ही अपना गोल है और उसको कॉमन गोल्स को अचीव करना है इस अगर यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ ये सारी चीज़ें हमारे काम में नहीं आएंगी और अगर ये नहीं आएंगी तो एफर्ट्स जो हैं वो बिखर जाएंगे और एफर्ट्स बिखर जाएंगे तो जो गोल है वो हमारा अचीव नहीं हो पाएगा अब कन्फ्यूजन होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है तो यहाँ पे हमको मेजर डिफरेंस दे रखा है तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला जाता है इट अंडरलाइज अलाइंस दैट ईच सबॉर्डिनेट गेट्स ऑर्डर एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू वन बॉस तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला जाता है कि एक बॉस होगा उनका और उनको आ, काम करना है वेर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला जाता है उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होगा ग्रुप वन बॉस वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज बॉस एक होगा प्लान एक होगा लेकिन एक्टिविटी क्या होगी वो ग्रुप्ड होगी और यहाँ पे वन बॉस और वन कमांड और वन पर्सन हर पर्सन को का एक रिस्पॉन्सिबल बॉस होना चाहिए जिसके कमांड्स को वो फॉलो करेगा यूनिटी ऑफ कमांड में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बॉस एक होगा प्लान एक होगा लेकिन जो एक्टिविटी होगी वो किस तरह की होगी वो ग्रुप एक्टिविटी होगी अब यूनिटी ऑफ कमांड का मोटो क्या है प्रिवेंशन ऑफ डुअल सबॉर्डिनेशन प्रिवेंशन ऑफ डुअल सबॉर्डिनेशन यानी यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यह है कि आ, किसी एक पर्सन के कोई दो बॉस ना हो है ना ताकि वो पर्सन कंफ्यूज ना हो इसका मेन मोटो यह है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का का, का मेन मोटो क्या होता है कि एक्टिविटीज ओवरलैप ना हो यानी कोई किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है कोई किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ऐसा काम ना हो इफ़ेक्ट इफेक्ट जो है यूनिटी ऑफ कमांड का इफेक्ट क्या होता है इंडिविजुअल इंडिविजल पे अलग अलग इफेक्ट होता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पे होता है फिर इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस क्या होता है ये यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एफिशिएंसी पर्सन की इम्प्रूव करती है और हारमोनी और डिसिप्लिन लाती है नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है इम्पॉर्टेंट uh, है क्योंकि कोऑर्डिनेशन और एफर्ट्स में एक्शन uh, में कोऑर्डिनेशन लेके आता है है ना जो भी एक्शन कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन लेके आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट यानी इस इस प्रिंसिपल में फ्योल का कहना यह है कि जो प, जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल वर्क कर रहे हैं उनको वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा समझें और उनका वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट हों सिंसियर हों वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन पर हार्म ना पहुँचाएँ इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था और उनका ऑब्जेक्टिव यह था कि जो उनका वर्क है उनको प्रॉपर सुपरविजन मिले प्रॉपर इंसेंटिव्स मिले प्रॉपर उनको आ, मतलब वेजेस और उनकी जो भी सैलरीज हैं वो प्रॉपर मिले ताकि कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से हटकर ना सोचें यहाँ उन्होंने बताया कि आ, उसी सिक्स वाले हमारे प्रिंसिपल में यहाँ उन्होंने क्या बताया कि एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट और सिंसियर होने चाहिए उनके प्रॉपर और रेगुलर सुपरविज़न होना चाहिए और उनके जो म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं है ना और इंटरेस्ट के चीज़ हैं यानी क्लैशे हैं यानी अगर उनका इंटरेस्ट यानी उनका फ़ायदा और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा बिल्कुल अलग अलग दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से उसको मॉडिफाई करना चाहिए अपने रूल्स को कि उन कुछ ऑब्जेक्टिव उनके भी अचीव हो जाएं और कुछ ऑब्जेक्टिव वर्कर्स के भी अचीव हो जाएं ताकि वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से हटकर ना सोचें ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रेम्योशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में फ्योल का मानना ये है कि उनको जो वर्कर्स हैं उनको ना सिर्फ फ़ाइनेंशियल रेम्यूनोरेशन मिलना चाहिए बल्कि नॉन फाइनेंशियल रेम्योनोरेशन भी मिलते रहना चाहिए जैसे कि उनको शाबाशी दे दी या उनका प्रमोशन कर दिया इस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको सेटिस्फाइड रखना मेन ऑब्जेक्टिव फ़्योल ये कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम सेटिस्फ़ेक्शन मिलना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन uh, में बने रहे हमेशा अगर इस इस uh, हम ऑब्जेक्टिव को नहीं फॉलो करते तो एम्प्लॉयर और इम्प्लॉय में कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं होंगे ये हमने आज पढ़े हैं सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल के हमने में पढ़ना है नेक्स्ट सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्य तो आज हमने हैनी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े जो कि आमने सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े रेमुनरेशन ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तक नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे